तो आप सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। वाह शानदार, कई साथी, काफी साथी जुड़ चुके हैं आज। नमस्ते आप सभी साथियों को जो आज के इस लेट नाइट सेशन में जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। कुणाल पांडे जी जुड़ चुके हैं, शुभम जी, भरत प्रताप जी, ओम प्रकाश जी, राज ओझा जी, क्या हाल है? शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एकदम हमने सर, जबरदस्त। हमने ये पिक्चर भी कितना शानदार लगाया है ना। आप लोगों का एग्जाम हुआ तो बड़ा खट्टा मीठा अनुभव। कई साथियों को बहुत, जो कुछ साथी हैं बहुत खुश हुए तो उनके लिए ये थोड़ा सा हार्ट वाला फोटो लगाया है। कोई साथी जो है हंस रहे थे, कोई साथी नहीं बोल रहे थे, तो सबके हिसाब से मैंने ये जो पिक्चर लगाया हुआ है आप लोग के प्रतिक्रिया के हिसाब से पिक्चर लगाया हुआ है। और यही हम जो हमारा यूएसपी है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कैसे पिक्टोरियल फॉर्म यूज किए जाते हैं। तो जब बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे साथियों का फोन आया, कम से कम 40 साथियों का तो मेरे पास फोन आया प्रत्यक्ष तौर से, और व्हाट्सएप से देखेंगे तो और भी 100 साथियों का आया होगा। तो उनका मिला जुला जो प्रतिक्रिया है, कई साथी जो है काफी आश्वासित हैं कि उनका प्रमोशन जो है बहुत ही अच्छा पुख्ता तरीके से एग्जामिनेशन में उन्होंने सवालों को बांधा है। और बहुत सारे साथी जो है थोड़ा संदेह में है, तो इसीलिए मैं बड़ौदा यूपी बैंक के, ग्रामीण बैंक के जो साथी हैं उनके लिए पूरे सेशंस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे, भले ही 3 सेशन में करेंगे लेकिन पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज ये जो सेशन कर रहे हैं हम रिकॉल क्वेश्चन का बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए, ये क्लरिकल टू स्किल 1 ऑफिसर के लिए है जिनका एग्जाम 16 जनवरी 2022 को हुआ। और अभी ऐसा लग रहा है ना, काफी दिन हो गए, कहाँ गए, राज ओझा जी चले गए। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो आया था, वैसे तो सवाल का जो तजुर्बा साथियों का आया कि काफी इंटरनल सर्कुलर से आए हैं, लेकिन कुछ एक सवाल जो ऐसे थे जो रिपीटेटिव सवाल थे, और 60 सवाल होते हैं जनरल बैंकिंग में, तो इसमें अगर पूरे 60 सवाल को आप देख पाएंगे, क्योंकि 58 सवाल तो मेरे पास आ चुके हैं, तो उस 58 सवाल में देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटा रिव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आए हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये सेशन पूरा पूरा बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों के लिए है, उनके द्वारा ही भेजा गया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है, उनके द्वारा ही सवालों का सामना किया गया है। तो पूरी तरह जनता का, जनता के लिए, जनता को ये पूरा चीज जो है ये बड़ौदा यूपी बैंक के लिए है। लेकिन और दूसरे बैंक के साथी जो जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर वो आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक हिंट मिलेगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहला सवाल पूछा गया था, इन अटल पेंशन योजना आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पेंशन इज टू बी स्टार्टेड टू द सब्सक्राइबर बेनिफिशरी ऑफ अटल पेंशन योजना। तो ये अटल पेंशन योजना जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत ये पूछा गया है कि अटल पेंशन योजना में जो भी सब्सक्राइबर जो है अपनी राशि अंशदान करता है और वो राशि अंशदान करने के बाद उसको जो पेंशन स्टार्ट होगा वो किस समय स्टार्ट होगा। तो जैसे ही 60 साल पूरा कर जाएगा उसके बाद पेंशन मिलेगा। ये अटल पेंशन योजना की खूबी है, क्योंकि वो पहले जो पेंशन है उसको जन जन तक पहुंचाना, भारत सरकार की देखिए स्ट्रेटजी देखिए, सुरक्षा को पहुंचाना, सोशल सिक्योरिटी, फिर थोड़ी थोड़ी जब अभी उनकी सक्षमता है आय कमाने के लिए तो उनमें से थोड़ा थोड़ा रकम जो है जमा करके एक कॉर्पस तैयार करना, और उसके बाद उनको ऐसे समय में रिटायर होने के समय में जब उनका सक्षमता कम हो जाएगा या जो ना एक अलग आश्रम की और अलग एक अपने जीवन के एक अलग जो चक्र होता है उसमें प्रवेश करने से पहले एक पेंशन की सुविधा दी जाती है, जिसको आफ्टर 60 ईयर्स जो है ये सुविधा मिलेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो इन अटल पेंशन योजना आफ्टर 60 ईयर पेंशन इज टू बी स्टार्टेड फॉर द बेनिफिशरी सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए,
सीसीटीवी फुटेज इज टू बी प्रिजर्व फॉर हाउ मेनी डेज, सीसीटीवी फुटेज जो है कितने दिनों तक प्रिजर्व किया जाता है। तो शाखाओं में आप देखे होंगे सीसीटीवी फुटेज जो है प्रिजर्व किया जाता है कितने दिनों के लिए, ये है। तो सीसीटीवी फुटेज में ये देखिए एक बंदा आया हुआ है, प्राय अभी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वास्ता मेरा पड़ता है क्योंकि मैं पब्लिक ग्रीवेंसेस देखता हूँ, तो पब्लिक ग्रीवेंसेस में हम डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करते हैं। ठीक है राज जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना? चलिए बढ़िया। तो मैं ज्यादातर लॉकर का पूछा था सर। अच्छा, आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, कुछ सवाल मैं लिया हूँ फिर उसके बाद हम लोग, अभी तो आपका तीन तीन सेशन करेंगे, पूरे सवाल करेंगे, है ना? तो मैं ये कह रहा था लॉकर का पूछा, ठीक, लॉकर का, लॉकर में सीसीटीवी फुटेज कितने दिन का रखा जाता है ये पूछा था। जी जी जी, कोई बात नहीं, क्या है कि हमारे राज ओझा जी हैं, जो कमी बचेगी वो पूरा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सवाल तो भेजा नहीं, उन्होंने सवाल हमारे दूसरे साथियों ने भेजा, तो आज इसलिए हमने उनको सामने प्रत्यक्ष रूप से रख लिया, उनको लॉक कर दिए, तब लॉक कर दिए अभी, अब जब सवाल ये पूरे हो जाएंगे तब उनसे और जो कमी बेसी रहेगा उनसे ले लेंगे। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो प्रिजर्व करने के लिए, ये लॉकर ही का तो दिखाया है, देखो ये लड़का लॉकर ही तो खोल रहा है टाइप का लग रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है, आप जो बैंकों में, अलग अलग बैंकों के पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम बैंकों में 90 डेज होता है, कई साथी 180 डेज का बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 90 डेज इसका प्रिजर्वेशन होता है सीसीटीवी। तो मैं एक बात कह रहा था कि अभी मेरे को बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज देखने होते हैं, लगभग एक महीने में मैं 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ, और ज़्यादातर वो मेरे को देखना होता है किसके, एटीएम्स के सीसीटीवी फुटेज देखने होते हैं, ब्रांचेस के भी देखने होते हैं, जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट के हिसाब से उनके अमाउंट्स वगैरह सेटल करने के लिए, उनके ग्रीवेंसेस सेटल करने के लिए। तो 90% सीसीटीवी फुटेज में हम ये क्लियर ही नहीं हो पाते हैं कि कल्प्रिट कौन है, कल्प्रिट कौन है, क्योंकि एकदम धुंधला सा छाया रहता है। हमारे ओम प्रकाश जी तो कैमरा की तरफ देखते ही नहीं है, है ना ओम प्रकाश जी? आपने एकदम माता रानी की कसम खा के रखे ना, कहाँ है कैमरा, आप देखे नहीं हो, या उसमें धूल लगी है, या कुछ होगा, या कुछ थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमारे ओम प्रकाश भाई जैसे माता रानी की कसम खाए कि हम कैमरा देखेंगे नहीं सर, हमारा काम ही नहीं है। नहीं सर, बात करवाते हैं। अरे अरे, अपने दिल से मत लो, मैं ऐसे ही बात कह रहा हूँ, दिल से मत लो, पटेका जने को पकड़ना पड़ता है ना, तो मेरा तजुर्बा के लिए किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो वो क्या होता है, वो सफाई देखते नहीं तो क्लियर दिखता नहीं, तो जब हमारे पास फुटेज आता है तो उसमें दिक्कत होती है जजमेंट करने के लिए, निर्णय लेने के लिए दिक्कत होती है कि फैसला किसके लिए जाएगा, या क्या डिसीजन लेंगे, क्या इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा, या सेटलमेंट किसका दोष है, ये सारी चीजें देखने के लिए हमको थोड़ा दिक्कत जाती है। और ये देखो ये बंदा जो आया है पूरा मास्क वास्क पहन के, टोपी ओपी लगा के, क्या पहचानोगे बताइए, शर्ट पैंट से दिखता ही नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रवि क्रॉप फॉर सम इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी किसान बोरोवर हैं उनके जो क्रॉप हैं उनको इंश्योर्ड किया जाता है, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस रवि क्रॉप के सीजन के लिए, रवि क्रॉप में क्या सीजन होता है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी पैदावार के लिए फाइनेंस की जाती है उनका जो है क्रॉप इंश्योरेंस किया जाता है, उसको बोलता है रवि क्रॉप। अगर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के दिए गए क्रॉप के लिए पैसा एडवांस दिया जाता है तो उसको बोलते हैं खरीफ, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो क्रॉप दिए जाते हैं उनको जो फाइनेंस किया जाता है उसको रवि क्रॉप के लिए कहते हैं, और उसमें जो है इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। तो रवि क्रॉप के जो एग्जाम्पल हैं देखिए, है ना, गेहूं है, ये सारे जो ओट्स हैं, ये जो है आपके रवि क्रॉप के हैं। तो रवि क्रॉप के लिए जो प्रीमियम रखा गया है सम इंश्योर्ड का, वो 1.50 ऑफ सम इंश्योर्ड रखा गया है। अब आप देखिए रवि क्रॉप के लिए कितना है, 1.50। क्यों इसके लिए प्रीमियम कम है, क्योंकि रवि क्रॉप वही किसान कर पाएंगे जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, है ना, उनके पास सिंचाई के साधन है, वही कर पाएंगे, इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। और जो खरीफ क्रॉप है उसका प्रीमियम, जैसे हमारे कई साथी यहाँ पर लिखे हुए हैं रतन यादव जी, 2%, ये खरीफ क्रॉप के लिए है। और एक एनुअल क्रॉप होता है, उसके लिए क्या होता है, एनुअल क्रॉप के लिए 5%। तो ये तीन तरह के क्रॉप होते हैं, तीनों का जो है प्रीमियम जो है वो अलग अलग होता है। तो
तो यहाँ सवाल पूछा गया रवि क्रॉप का, ये होता है 1.50%। और ये प्रीमियम कौन पे करता है मेरे होनहार साथी, टाइप करके बता दीजिए, ये जो प्रीमियम है उसको पेमेंट कौन करता है। फिर इस बीच हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, फार्मर भरता है। बहुत बढ़िया कुणाल जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, कस्टमर ने, ग्राहक ने, उधार गृहता ने जो हमसे लोन लिया है वो। और ये पहले क्या है, कंपलसरी था, लेकिन अभी ऑप्शनल कर दिया, पहले कंपलसरी था अब ऑप्शनल कर दिया, किसान चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो मना कर सकता है। अब सवाल चलते हैं आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, मोस्ट पॉपुलर सवाल, सारे एग्जाम में आना है, सभी बैंकों के एग्जाम में आता है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल क्या है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। पहला सर्कल को ये पहला सर्कल को देखिए, किसी भी जो बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, पूंजी के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगता है कैसे, उसको जो है ठीक तरीके से मिक्स करना, पूंजी को जो है रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद ये पौधा बन जाता है, पौधा बनने के बाद फल लग जाता है, उस फल को सर्कुलेट करके सही जगह कंज्यूमर तक पहुंचाना, फिर पैसे के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सब करने में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखा जाता है। करंट एसेट एक साल के अंदर आने वाला पैसा, करंट लायबिलिटी एक साल के अंदर जाने वाला पैसा, और उनके बीच का जो अंतर होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है, मतलब कार्यशील पूंजी होती है किसी बिजनेस को चलाने के लिए। अब यहाँ पर चूंकि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा गया है, तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जब एक साल के अंदर आने वाला पैसा एक साल के अंदर जाने वाले पैसे से कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मीन्स व्हेन द करंट लायबिलिटी एक्सीड करंट एसेट, करंट एसेट से ज़्यादा हो जाएगा अगर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है, बाहर से लिया गया पैसा जिसको एक साल के अंदर लौटाना है। तो समझ लीजिए एक साल के अंदर लौटाने वाला पैसा और एक साल के अंदर आने वाले पैसा, तो एक साल के अंदर लौटाने वाला पैसा ज़्यादा हो, आने वाला पैसा कम हो, तो सॉल्वेंसी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। ये इन्होंने हमारे आनंद वर्मा जी ने बढ़िया लिख दिया और अच्छे से, वर्किंग कैपिटल मीन्स डेप्ट सॉल्वेंसी एबिलिटी ऑफ फर्म विद इन वन ईयर। बहुत बढ़िया जी, होनहार हैं हम, हैं हमारे आनंद जी, बहुत होनहार हैं। इन्होंने अच्छे शब्दों में लिख दिया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब ऐसी पूंजी होती है जो उनके एक साल के अंदर आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे के अंतर को दिखाती है, उसकी सक्षमता को दिखाती है, एक साल के अंदर जो उनको चुकाना है उसके लिए वो कितना योग्य हैं। एक साल के अंदर उनकी कोई लायबिलिटी है, कोई देयताएं हैं, उसको चुकाने के लिए उनकी सक्षमता कितनी है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल, वाह ये हुई ना, कितना बढ़िया है ना, है ना राज ओझा जी, हैं आपने प्यून को दिखाइएगा ना ये वाला सीन, है ना, इसको थोड़ा वो ले लो, क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, ये तो आपके पास तो आ ही जाएगा वीडियो में। और मैंने देखा है ऐसा एक प्यून है जो ऐसे बनाता है, और सौभाग्य से मेरी ब्रांच में भी काम कर रहा था, और अभी भी जो काम कर रहा है अभी हमारे ऑफिस में, उसका भी अगर देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा बॉस, है ना, उसको इनाम देने का मन करता है जब देखते हैं, बेहतरीन फाइलिंग करता है। और ये जो दिख रहा है ये ऐसे ही फाइलिंग करता है बराबर प्रॉपर तरीके से, लिखने का होगा तो हमारे पास ले आएगा लिखने वाला, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से जो रिकॉर्ड प्रिजर्व करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि देखिएगा आप अपने ब्रांच में जाके देखिएगा कंपेयर करिएगा किस तरह से रिकॉर्ड है ना, कहाँ पता नहीं पैर वैर रख के उसमें बैठ, हमारे राज ओझा जी ना बैठे ना हो है, गद्दे में लगा दो गड्ढी क्योंकि मैं एक ब्रांच में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने गया तो वहां पर मुझे एक कुर्सी दिया गया, और उस कुर्सी वो थोड़ा छोटा था कुर्सी, क्योंकि वो लकड़ी का कुर्सी था और डेस्क बड़ा था, तो प्यून ना दो ठो ऐसा गठरी ले आया और उसके नीचे रख दिया और गद्दा रख दिया। मैंने बोला अरे ये कहाँ से ऊपर हो गया, देखा तो नीचे बट्टा खाता की फाइल रख दिया, बट्टा खाता की फाइल, तो वो चीज़ मुझे याद है कि शाखाओं में किस तरह से होता है। लेकिन एज पर रिवाइज KYC गाइडलाइन रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, अगर कोई अकाउंट क्लोज हो गया फिर भी हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और वो रिकॉर्ड जो है कितने साल तक मेंटेन करना है, कितने साल तक मेंटेन करना है, ये सवाल पूछा गया है। तो एज पर KYC गाइडलाइन, रिवाइज KYC गाइडलाइन, अगर कोई खाता क्लोज भी हुआ तब भी हम उसका सिक्रेसी मेंटेन करना होता है, और
क्योंकि जब केवाईसी के तहत हम किसी कस्टमर को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पांच कंपोनेंट होते हैं। एक्सेप्टेंस पॉलिसी होता है, कस्टमर एक्सेप्टेंस, फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क मॉनिटरिंग, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वाउचर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वाउचर को आजकल डिस्ट्रॉयड नहीं करते शर्मा जी, वाउचर आजकल हेड ऑफिस ले जाता है और उसको रिसाइकल करता है, रिसाइकल करता है। अच्छा सवाल पूछा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। क्या करते हैं बैंकें, जैसे 5 साल, अभी कोई खाता क्लोज हुआ उसके बाद हमको 5 साल तक रखना है। 5 साल बाद एज ए ब्रांच मैनेजर आपके ब्रांच में अगर के कमेटी है, नहीं भी है तो कमेटी बना लीजिए और उस कमेटी में प्रपोजल रखिए कि हमारे ये रिकॉर्ड 5 साल से ऊपर के हो गए हैं, हम कंफर्म करते हैं। और अपने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को पत्र लिखिए कि महोदय हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि नियमानुसार इन दस्तावेजों को जो है हम जो है इनको हमारे शाखा से रिकॉर्ड से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि शाखा में जगह नहीं रहती है, कम जगह रहती है। अगर हम लगातार 10 साल का रखते रहेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा। तो आपके पास एक कमेटी बनानी होगी, अगर छोटी ब्रांच है तो भी 3 लोग हैं, तीनों का साइन ले लीजिए और उसमें लिखिए कि इतने इतने दस्तावेज 5 साल से ऊपर हो गए हैं, अब हम इनको जो है शाखा से बाहर करना चाहते हैं, अपने रिकॉर्ड से अलग रखना, रिकॉर्ड जो हमारा रिकॉर्ड रूम है उससे बाहर करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं। तो उन लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसे करके सभी ब्रांचों उसका इकट्ठा करेंगे, एक ट्रक आएगा, फिर ट्रक को आप डिलीवरी देंगे, वो सारा जो है आप नत्थी करेंगे और अपना कन्फर्मेशन देंगे, फिर वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो चला जाता है किसी एजेंसी के पास, वेंडर के पास। वो वेंडर क्या करता है, वो वेंडर उसको इकट्ठा करता है, उसको क्रश करता है और उसमें ईंट बनाता है। क्या बनाता है ओंकार जी, ओम प्रकाश जी, सोनकर जी, ईंट बनाता है वो, है ना, जिसको थर्मो ईंट बोलते हैं या वातानुकूलित ईंट बोलते हैं। तो अभी उसको रिसाइकल किया जाता है, पहले डिस्ट्रॉय करते थे, जलाते थे, आपने कई बार देखा होगा है, जला रहे हैं। तो हमारे राज ओझा जी का जो असिस्टेंट मैनेजर है, झगड़ा हो गया था इनका इनके साथ, तो वो असली रिकॉर्ड भी जला दिया है, जल गए उस दिन, है ना, सारे जो उसमें जो है झगड़ा जो है जल गया, कोई फाइल वाइल गड़बड़ सा जल गया, इसलिए अब जलाना मना कर दिया गया है, समय रहते चेंज होता रहता है। तो अभी की पॉलिसी के हिसाब से ये सारे चीजें जो है रिसाइकल करते हैं, इससे एनर्जी का बचाव होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने अपना पॉलिसी के बारे में भी देख लीजिएगा, वैसा ही होता होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल का उत्तर है, आंसर जो है 5 ईयर्स। कितना है, एज पर रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट ऑफ फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। पहले ये रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन जो आया था 2016, उसके पहले ये 10 साल था। कितना साल था, 10 साल था। तो ओंकार जी, ओम प्रकाश जी, ये बताइए, अगर अभी 10 साल का ये प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड कर देंगे तो आपको तो बैठने की जगह नहीं मिलो करे, हैं, जगह ही नहीं पाओगे। क्यों, पहले क्या होता था, पहले व्हाइट कॉलर जॉब होता था, बैंक में बाबू साहब बैठे हैं, एक बंदा आगे खाता खोलने के लिए और दूसरे की हिम्मत ही नहीं आए। हैं, हम ही जब बैंक ज्वाइन किए थे 2000 में, तो हम देखते थे कि 2 बजे 2:30 बजे हमारा मैनेजर बोलता था कि चलो बाबू चल झोला पकड़ बाजार चलेंगे, 2 बजे बैंक बंद, कोई नहीं आता है, शटर डाउन है, मजा लें ओझा जी, कोई आ जाएगा है, वो जो गनमैन नहीं आया वो ताला लगा के रखता था। लेकिन आज आज कोई आता नहीं है, आज आपको जाना है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में कि दाई दादा, कका बाबा, खाता खोल लो दादा, टारगेट है दादा, वो नौकरी चले जाए दादा, सैलरी रुक गया है जी, ऐसा क्या क्या बोलते हो, बहाने बना के खाते खोलते हो, है। तो इस तरह के केसेस हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमको 5 बजे पैसा लेने आते हैं सर आप लोग, सही बात है कुणाल जी, और हमारे कुणाल जी इतने दबंग टाइप का दिखते हैं लेकिन मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी स्थितियां बदल गई हैं बहुत सारी। पहली बहुत जो है अलग स्थितियां थी, पहले थोड़ा सम्मान भी बहुत ज्यादा था और बहुत अच्छा लगता था, मतलब एक दिन छुट्टी रहता था बुधवार को क्योंकि नॉन वर्किंग डे होता था। अभी समय बहुत ज़्यादा तेज गति से बदला है और ये खास करके समय 2013-14 के बाद से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद से इतना परिवर्तन हो गया। लेकिन ठीक है, एक चक्र होता है परिवर्तन का। इसके बाद जो समय आएगा बैंकर्स के लिए, बहुत ही सुखद समय आने वाला है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंकों में ये चीज़ आ चुका है, नेशनलाइज बैंकों और आरआरबी में ये अभी थोड़ा कठिन दौर है, लेकिन आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। सिर्फ सूट और टाई पहन के आपको शाखा में चाय पिलाना है कस्टमर को,
बाकी सारा काम जो है डिजिटलाइजेशन से होगा। कस्टमर आएगा, उसको 10,000 का लोन चाहिए तो अपना फिंगर प्रिंट वगैरह सब कुछ खुद कर लेगा और 10,000 रुपये काउंटर से निकाल के ले जाएगा, आपने बस उसको चाय पिलानी है। ठीक है, आपने बस उसको चाय पिलानी है, ऐसी चीज़ें होने लगी भी हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मोस्ट पॉपुलर सवाल, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड क्या है, फटाफट टाइप करके बता दीजिए। कॉमन क्वेश्चन है जो बड़ौदा यूपी बैंक में आया था। लिमिटेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिस अवधि में हम हमारे द्वारा दिए गए कर्ज की वसूली के लिए, अगर वो कर्ज की वसूली नहीं देता है तो उसके लिए हम दावा दायर कर सकते हैं। दावा दायर कहाँ कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, DRT में जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी के आधार पर सरफेसी में जा सकते, कहीं भी लीगल फोरम पे अगर हम उससे वसूलना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लिमिटेशन पीरियड का होना बहुत ज़रूरी है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन का लिमिटेशन पीरियड होता है, यहाँ डिमांड प्रोमिसरी नोट का लिमिटेशन पीरियड है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड प्रोमिसरी नोट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP। PMEGP एक रूरल और सेमी अर्बन में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है कि रूरल और सेमी अर्बन में अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। क्योंकि आप देखे होंगे रूरल एरिया में अगर गांव विजिट करते होंगे, हमारे ओम प्रकाश जी तो गांव जरूर विजिट करते होंगे वसूली वगैरह में, तो गांव विजिट करते होंगे तो देखे होंगे दोपहर को ताश खेलते होंगे, है ना, ताश खेलते रहते हैं बढ़िया एकदम, है ना। और वहां पर एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है गांव में, और एम्प्लॉयमेंट आजकल तो थोड़ा अंतर हो गया, गांव में अगर आप लेबर खोजना चाहोगे तो नहीं मिलेगा वो लेबर, है ना। सरकार भी थोड़ी पॉलिसी गड़बड़ कर दी है क्योंकि उनको बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि अगर आप बोलोगे ना 300 रुपये दे रहा हूँ आ काम करना, तो बोले रख लो 300 रुपये, 100 रुपये मेरे से ले ले, बोले और 100 रुपये ले ले, नमक ले ले, लेकिन मैं काम नहीं कराऊँ, मैं काम नहीं करूँगा। थोड़ी परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में भी हमको अच्छे एंटरप्रेन्योर को ढूंढना है, और एंटरप्रेन्योर को ढूंढ के उनको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो है उनको लिंक करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया स्पॉन्सरशिप लोन योजना है जिसमें सब्सिडी लिंकेज है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इसका नोडल एजेंसी है KVIC। कौन है इसका नोडल एजेंसी, KVIC, जिसके तहत PMEGP 1 लोन के तहत अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो 25 लाख तक, सर्विस सेक्टर का है तो 10 लाख तक, और उनमें सब्सिडी जो होती है वो 8,75,000 तक सब्सिडी मिलती है, 30% और 35% की सब्सिडी जो है मिलती है। वुमेन कैटेगरी के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है 5%, और मैन कैटेगरी के लिए कम रहता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, इंटरेस्ट भी जो है मार्जिनल इंटरेस्ट रहता है, और साथ ही साथ कैपिटल सब्सिडी भी कितना, 30%। अगर 100 रुपये पूंजी लगनी है तो उसमें 30 रुपये सरकार दे रही है, तो ये इसीलिए बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसको शामिल किया जाए, ऐसी भी फैक्ट्री उसको फाइनेंस किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हों, और वो लोग जो काम करते हैं उनकी आय बढ़े। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल, मैक्सिमम टाइम आपके प्रमोशन एग्जाम में आता है ये सवाल। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गार्नेसी ऑर्डर। गार्नेसी ऑर्डर के केस में बैंकर कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखे होंगे तीन तीन जो है चार चीजें दिख रही हैं, ठीक है, चार चीजें दिख रही हैं। एक तो ये भाई साहब हैं जो कोर्ट वाले भाई साहब हैं, ये मालदार पार्टी हैं। तो ये जो कोर्ट वाले भाई साहब हैं, इन्होंने कभी ये जो टाई वाला थोड़ा दुबला पतला वाला दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये टाई वाले भाई साहब को कभी इन्होंने पैसा लेन देन किया था। अब चूंकि ये कोट वाले भाई साहब ने पैसा दिया ये टाई वाले भाई साहब को, ये पतले वाले भाई साहब को, और ये पतले वाले भाई साहब का आपके बड़ौदा यूपी बैंक में खाता है, पतले वाले भाई साहब जिन्होंने पैसा लिया था। अब ये जो कोट वाले भाई साहब हैं, इनको कूट तो सकते नहीं, मारपीट नहीं सकते, है ना, लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो वो बोले उसको, भैया दादा जो पैसा लिया था 50,000 दे दे भैया, दे दे भैया, उनने नहीं दिया। तो वो क्या करेंगे, उनने पता किया यार बैंक में, बड़ौदा यूपी बैंक में इसका खाता है, और खूब ये पीता है इसीलिए माता है क्योंकि बड़ौदा यूपी बैंक में इसका खाता है, ये खूब पीता है इसीलिए माता है, बड़ौदा यूपी बैंक में इसका खाता है, तो ये इसका खाता है, बैंक में पैसा है, फिर भी मुझे नहीं दे रहा है,
तो ये क्या करता है, ये बंदा कोर्ट चले जाता है, कोर्ट में अपना ये एक ऑर्डर निकलवाता है कि इसके खाते से पैसा वसूली करके हमें दिया जाए, क्योंकि ये अपना साबित कर लेता है कि मैंने इसको पैसा दिया था। इस तो कोर्ट जो ऑर्डर जारी करता है उसको बोलते हैं गार्नेसी ऑर्डर। बैंक यहाँ पर क्या होता है, गार्नेसी। तो ये चश्मा पहन के जो मैडम है ये गार्नेसी है, मैनेजर साहब हैं तो ये गार्नेसी हैं, तो गार्नेसी हैं, बैंक गार्नेसी हो गया। और जब बैंक में पैसा रखता है ये कोर्ट वाले भाई साहब, तो ये लेनदार होता है, बैंक देनदार होता है। लेकिन जब ये गार्नेसी ऑर्डर आ जाता है, तो गार्नेसी ऑर्डर आने के समय ये जो कस्टमर है अब वो लेनदार नहीं होता है, ये क्या होता है, जजमेंट डेटर हो जाता है। इसका पैसा जो है कोर्ट को जाएगा, कोर्ट के माध्यम से फिर जजमेंट क्रेडिटर को जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो क्या है, बैंक जो है बैंक डेटर ही रहेगा और कस्टमर जो है जजमेंट डेटर होगा। तो कस्टमर का जो है यहाँ पर संबंध बदल गया, बैंक तो डेटर ही रहेगा। अगर गार्नेसी ऑर्डर नहीं मिलता है तो यहाँ कस्टमर क्या होता, कस्टमर क्रेडिटर होता। और यहाँ पर जब गार्नेसी ऑर्डर आ गया तो कस्टमर जो है जजमेंट डेटर आ गया, है ना। रोशन जी बोल रहे हैं कुछ अलग क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ घुमा कर पूछा था, तो ठीक है आप घुमा कर बता देना थोड़ा इस, ये जब स्क्रीन जो है ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा तब आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देना रोशन जी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, व्हाट इज द क्लेम डिस्पोजल पावर ऑफ ब्रांच मैनेजर इन स्केल वन इन केस ऑफ लॉकर गुड्स। तो जब लॉकर का केस आता है और लॉकर ब्रेक ओपन हो गया या डिसीज क्लेम के सेटलमेंट हो गया, तो उसके लिए डेलीगेटेड पावर बनाए गए हैं। तो लॉकर के डिस्पोजल क्लेम के समय अगर कोई डेथ क्लेम हो गया, उसके बाद लॉकर में खोलते हैं तो क्या माल पानी निकलता है यार, प्रॉपर्टी के पेपर, सोना है, मजा आ गया ना। तो है ना, हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं सर कलिच में एक लॉकर लूंगा, सर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो बेटा है, छोटा वाला मीडियम साइज का ले लेना। तो व्हाट इज द क्लेम डिस्पोजल पावर ऑफ ब्रांच मैनेजर स्किल वन। तो जब भी ऐसे कोई निकलते हैं तो उनमें एक डिस्पोजल रहता है क्लेम का, तो स्किल वन को पावर जो है वो 1 लाख का है, कितने का है, 1 लाख का। अगर उसकी वैल्यू 1 लाख निकलती है तो उसका डिस्पोज आप कौन कर सकता है, ब्रांच मैनेजर स्केल वन कर सकता है। वैसे अलग अलग स्केल में पावर है ना, रीजनल मैनेजर का अलग पावर है, तो जिसके पावर में जाता है। अगर स्केल वन का ब्रांच मैनेजर है 1 लाख तक का उसका वैल्यू निकला पंचनामा में तो पेमेंट कर देगा, अगर ज्यादा का निकला तो अपने रीजनल मैनेजर को रिकमेंड कर देगा, वहां से परमिशन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल देन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर लोन अंडर एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ये बढ़िया सवाल था कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के तहत जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो है एंसिलरी सर्विसेज के तहत दिया जाता है और इसमें जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम जो होता है वो 20 लाख होता है इंडिविजुअल में, और अगर एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कितना होता है, 25 लाख होता है। तो इन केस अब एक्सट्रीमली में सक्सेसफुल अगर केस है तो 25 लाख होगा, अगर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है तो होगा 20 लाख, और अगर पर ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी 1 करोड़। और ये इंडिविजुअल का पूछा गया था, तो इंडिविजुअल में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पर्सन कितना है, 25 लाख। अगर नॉर्मल पूछा जाता तो नॉर्मल में मैक्सिमम 20 लाख होता है प्रोजेक्ट कास्ट। तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, आप लोग भी गांव में कई लोगों को जो खाद बीज और कुछ जो सीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर के तहत आप उन्हें लोन दिया होगा, कई बार विजिट में भी गए होंगे स्टॉक वगैरह वेरिफिकेशन करने के लिए, तो उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्लेटन रूल के बारे में पूछा गया, क्लेटन रूल इज एप्लीकेबल फॉर विच पर्पस। तो जो क्लेटन रूल होता है, क्लेटन रूल का उपयोग किया जाता है ऐसे रनिंग CCOD अकाउंट जहां पर पार्टनर की या जो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, वहां पर बैंकों के पास एक पावर होता है कि
कि अपने ड्यूज को जो है अप्रोप्रिएट करें, ड्यूज को अप्रोप्रिएट करें, तो उसके लिए क्लेटन रूल लगाया जाता है। और क्लेटन रूल क्या होता है, फर्स्ट पेड इज सेटल्ड विद ड्यूज, जो जमा होता है वो उसके ड्यूज से जो पहला जमा होगा वो ड्यूज को समायोजित कर देगा। तो ये क्लेटन रूल है। क्लेटन रूल इज एप्लीकेबल फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, जो रनिंग सी सी ओ डी अकाउंट है उसमें राइट टू अप्रोप्रिएशन एक हमारे पास लियन जैसे राइट है, अधिकार है, उसके तहत जो है ये इस्तेमाल किया जाता है क्लेटन रूल। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा से जुड़ा हुआ सवाल है। व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड फॉर नॉर्मल डेथ क्लेम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख का कवरेज मिलता है, और वो कवरेज किस लिए मिलता है, डेथ कवरेज मिलता है। अगर किसी, वाह वाह मेरे राजा, कंगी कर लो, अच्छा बढ़िया एकदम मजा आ गया है, झुकेगा नहीं साला, ऐसा क्या आता है ना आजकल है, पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं सर, तो वैसा वाला स्टाइल कर रहा कंगी, क्या नाम है इनका, नाम नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, हाँ मस्त, स्मार्ट दिखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। तो कंगी वंगी कर लो, ऐसे रुकना नहीं, करते रहो, हम भी कंगी कर लेते हैं, हमारे पास भी कंगी है, कहाँ है आज नहीं आए, इधर नहीं दिया कंगी आज, नहीं तो इधर कंगी भी रहता है, आपकी मैडम यहाँ कंगी रखती जाती है। तो व्हाट इज द लॉकिंग पीरियड फॉर नॉर्मल डेथ क्लेम अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पहले ये 45 डेज था, हमारे रवा सब जी ने बता दिया, नाउ इट इज 30 डेज। मतलब ये एक ऐसा पीरियड है, मैं बता रहा हूँ, कि जहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए सपोज आज पॉलिसी लिए और कल आपकी डेथ हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा पीना हो गया है ना, तो डेथ हो गई तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो आपको क्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर एक लॉकिंग पीरियड है, 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है, 30 डेज तक लॉक रहेगा। अगर आपका 30 डेज तक अगर डेथ हो जाती है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, 30 डेज के बाद डेथ होती है तो पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है, आज पॉलिसी लिया और कल एक्सीडेंट हो गया कवरेज स्टार्ट होने के बाद, तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, आप सब बढ़िया लग रहे हो, तुम बिल्कुल तैयार हो गए, कंगी लगे हैं, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है हम, ऐसा करता है ना, क्या 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 आ रहा है ना राजोजा जी, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है हम, ऐसा करके लेता है। पीकर एक्सीडेंट होने पर सर बोल रहा है शुभम, हाँ तो एक्सीडेंट पर डेथ हो गई तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका एक फंडा समझा देता हूँ, है ना। शुभम जी ने अच्छा सवाल पूछा, जब भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वहाँ पर पुलिस एफआईआर देखा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उनका एक जजमेंट होता है कि एक्सीडेंट अगर मान लीजिए हो गया, एक्सीडेंट की वजह से मृत पाया गया तो आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पोस्टमार्टम में कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो उनको पेमेंट जो है क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर बोला कि जो है पीने खाने से या खुद कुछ ऐसा टाइप का लिख दिया, तो फिर उनको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जो है वो क्या करना है, फिर आपको एफआईआर की कॉपी और दोनों के अगर मिसमैच भी है तो उसको क्लेरिफाई करना है। तो एक्सीडेंट की अगर की वजह से मौत हुई तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में और भी परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन हुआ है, किस चीज़ का परिवर्तन हुआ है, इसमें इनके प्रीमियम का परिवर्तन हुआ है, प्रीमियम पहले क्या था, साल भर का 330 लगता था, लेकिन अभी क्वार्टर वाइज जो है एक जो है चेंज हुआ है। तो अगर आपका अलग अलग क्वार्टर में जैसे होता है तो उनमें जो अलग अलग लगता है, मान लीजिए आखिरी क्वार्टर में लिया तो 86 रुपये, उसके सेकंड क्वार्टर में लिया तो 172 रुपये, थर्ड क्वार्टर में लिया तो 258 रुपये, और साल भर का लिया तो 330 रुपये। तो ये चार तरह के कैटेगरी में कर दिया गया। चलिए तो क्या लिखे हैं, कितना स्कोर आउट ऑफ 50 फाइट में है, अरे काफ़ी कंपटीशन है द्विवेदी साहब, हैं बहुत सारे साथियों का
फोन आया है, मिलान कर लिया उन्होंने, तगड़ा पेपर गया है ना। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री फॉर इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो एक्सीडेंटल डेथ पर ही 2 लाख का कवरेज मिलता है, तो इसमें मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री पूछा गया है। मैक्सिमम, ये आनंद वर्मा जी बहुत बढ़िया जी, इन्होंने तो अच्छा लिख दिया। 330 फुल ईयर के लिए, 258 जो है उसके बाद, फिर 172, और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आखिरी मंथ में जुड़ता है, क्योंकि इसका कवरेज 31 मई तक पटाना होता है, 1 जून से स्टार्ट होता है, 1 जून से 31 मई तक, तो अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से कितना स्कोर आउट ऑफ 55 में है। सर ये क्वेश्चन सही है, अच्छा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के आयु के बेनिफिशरीज के लिए ये योजना है, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनको कवरेज मिलता है 2 लाख का, डेथ होने पर 2 लाख, अगर वो परमानेंट डिजेबल हो जाते हैं तो परमानेंट डिजेबल हो जाते हैं तो उनको 2 लाख, और अगर जो पार्शियल डिजेबल हो जाते हैं तो भी 1 लाख का मिलता है। तो यहाँ पर पूछा गया एज, तो एज मैक्सिमम एज 70 ईयर है। चलिए अगला सवाल, CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो शुड बी मेंटेन एवरेज ऑन डेली बेसिस मिनिमम वैल्यू ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज। तो परसेंटेज वाइज जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहती है बैंकों को कि आप ठीक है पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करिए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमको दीजिए पहले कैश के रूप में, नगद रोकड़ा, है ना। जैसे घर वाली बोलती है ना आपको कि तनख्वाह मिलते ही थोड़ा सा रोकड़ा, नया नया रोकड़ा, है ना राज ओझा जी, एकदम है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं नया अच्छी देना हमको, पुराना देगा तो हम उस दिन नहीं मानेंगे कि आप बैंक में नौकरी करते। तो भैया हम वो केशर को बोल के रखे, जब भी हमारा विड्रॉल जाए ना, पुराना नोट मत दीजिए, भले 2 दिन बाद दीजिए, लेकिन नया अच्छी दीजिए। तो हमारा सौभाग्य मिला है कि जिस ब्रांच में, जिस जगह में काम करता है उसके नीचे करेंसी चेस्ट है, तो साल भर नया नोट मिलता है ना, पुराना नोट, जूना नोट तो देखे ही नहीं, तो नया नया नोट मिलता है। तो जिस तरह आप जो घर की मैडम है वो बोलती है ना कि जैसे ही सैलरी मिलती है नया नया नोट, हमारे कुछ हिस्सा हमारे पास होना चाहिए कैश के रूप में, ठीक उसी तरह रिजर्व बैंक बोलती है कि भैया कुछ हिस्सा कैश के रूप में हमारे पास रखना है, बहुत जरूरी है कैश के रूप में रखना है। तो वो परसेंटेज है 4%, लेकिन वो जो 4% है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, उसको मेंटेन करना होता है, और वो मेंटेन करना है मिनिमम कितना, डेली बेसिस पर 90% मिनिमम मेंटेन करना है। कितना, 90% मेंटेन करना है, ठीक है। तो मान के चलो कि आप भी जितना पैसा वहाँ लेके आते हो उसका 90% मैडम के पास मेंटेन ही होना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है ओझा जी, और वो भी नया करेंसी एकदम, वो चेक पे कार्ड वार्ड भरोसा नहीं करते हुँ? एकदम नया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। CRR should be maintained on average on daily basis minimum value of 90%, है ना। तो जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, ये मेंटेन करना होता है 90%। चलिए अगला सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल टूल्स ऑफ रिकवरी। निम्नलिखित में से लीगल टूल कौन सा नहीं है, सरफेसी, सूट फाइल, DRT, OTS। तो ये सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल है, काफी बैंकों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीगल टूल नहीं है रिकवरी का। मैं काफी दिन से प्लान कर रहा हूँ रिकवरी का, बढ़िया सब है, लेकिन ये एग्जाम वगैरह जब हो जाएंगे ना, तो हम लोग जो है उसका रिकवरी का एक बढ़िया सा आपको कुछ बारीकियां सिखाऊंगा। तो वो छुट्टी के दिन ही हो पाएगा, जिस दिन 2 दिन छुट्टी होगा दिन में हम सिखाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल टूल्स ऑफ रिकवरी। सरफेसी एक लीगल टूल है, सूट फाइल लीगल टूल है, DRT डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये भी लीगल टूल है, एक OTS है जो लीगल टूल नहीं है, क्योंकि OTS जो है आपसी समझौता के तहत लिया जाता है, उसमें दोनों में सेक्रीफाइस होता है, OTS में वो भी कुछ सेक्रीफाइस करता है, आप भी कुछ सेक्रीफाइस करते हो, एक एग्रीमेंट होता है, एक कंसेंट पे पहुंचते हैं, और तब जाके वो वन टाइम सेटलमेंट होता है, और वन टाइम सेटलमेंट को मुकर भी गया तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये लीगल टूल नहीं है, ये क्या आर्बिट्रेशन जैसा है, ये जो है मध्यस्थता है और समझौता है। तो यहां पर इसका उत्तर होगा OTS। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हाइपोथिकेशन इज नॉट अप्लाइड ऑन व्हिच
सिक्योरिटी, जो हाइपोथिकेशन है वो कौन सी सिक्योरिटी पे नहीं लगेगा, हाइपोथिकेशन जो है कौन सी सिक्योरिटी पे नहीं लगता है, लाइव स्टॉक, स्टॉक्स, क्रॉप, गोल्ड। तो जो हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन जो है लाइव स्टॉक पे भी हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होगा, है ना, और स्टॉक जो होते हैं ना, जैसे एफएमसीजी के स्टॉक हैं, साबुन, शैम्पू, जो भी मूवेबल चीज है, स्टॉक है, उस पर हाइपोथिकेशन होता है। हाइपोथिकेशन का मतलब ये समझिए कि सामान भी बारोवर के पास रहेगा और उसका मालिक भी बारोवर है, ठीक, ये इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हमारे क्या है, हमारे दृष्टि बंधन में रहेगा, हमारे दृष्टि बंधन में रहेगा, मतलब अभय जी हम उसको खाली देख सकते हैं, खाली देख सकते हैं, निहार सकते हैं, और हमारे दृष्टि बंधन में रहेगा। उसका मतलब यह है कि जब हम चाहें उसको देखने देख सकते हैं, हमारे दृष्टि बंधन में रहेगा, और ये जो है दृष्टि बंधन में रहेगा, इसलिए हाइपोथिकेशन कहते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में रहेगा बारोवर के पास, मालिक भी रहेगा बारोवर। इसमें बुक डेट भी था, है ना, बुक डेट भी था जिसमें असाइनमेंट लगता है, लेकिन हाइपोथिकेशन जो होता है वो यहाँ पर गोल्ड में नहीं लगेगा, है ना। हमारे रोशन जी कुछ बता रहे हैं, बुक डेट्स भी एक ऑप्शन में था। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, रिप्लाई शुड बी गिवन इन हाउ मेनी टाइम्स अंडर न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो ओम्बुड्समैन की जो नई स्कीम है, ओम्बुड्समैन की नई स्कीम्स में जो रिप्लाई देना है वो कितने दिनों के अंदर देना होता है। तो ओम्बुड्समैन की जो नई स्कीम लॉन्च किए हैं, तो ओम्बुड्समैन की नई स्कीम में इसमें पूछा गया है कि कौन सा, कितने दिनों के अंदर रिप्लाई सबमिट करना होगा। तो आप लोग सभी साथी जो हैं, कोई 30 डेज बता रहे हैं, कोई जो हैं 15 डेज बता रहे हैं। तो रिप्लाई शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज एज पर द न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत जो रिप्लाई सबमिट करना होता है वो कितने दिनों के अंदर करना होता है, रिप्लाई ओम्बुड्समैन में वो करना होता है 15 डेज के अंदर। अगर आप 15 डेज के अंदर रिप्लाई सबमिट नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, पेनल्टी दे सकते हैं, जिस पर आप अपील नहीं कर पाएंगे, अपील नहीं कर पाएंगे। चलिए, हालांकि 15 दिन के अंदर रिप्लाई सबमिट की बात हो रही है, उसका रिजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, रिजोल्यूशन के लिए 30 डेज ही है, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको उसमें रिप्लाई सबमिट करके बताना ही होगा कि सर ये रिजॉल्व हो गया, या इसको रिजॉल्व होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट। तो ये देखिए, रिलेशनशिप है, संबंध पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, तो ये तो हाथ मिलाने वाला है, आप तो हाथ वाथ नहीं मिलाते हैं ना राजोजा जी, अब कस्टमर से तो दूर ही रहो भैया, है ठीक है। अभी फिर से कोरोना आ गया, जैसे ही मार्च आता है ये भी टारगेट पूरा करने के लिए आ जाता है, कहाँ से कोरोना है। कई साथी हमारे तो 50% साथी जो हैं इन जो इन्फेक्टेड हो गए, बोले थोड़ा तबीयत खराब हुआ, भैया घर ही में रहो भैया, आना ही मत, क्या चल रहा है, तबीयत थोड़ा खराब हुआ तो बोले काहे के लिए रिस्क लेना, घर में ही करो, घर में से ही काम करो। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के केस में बैंकर कस्टमर का रिलेशन, बैंकर क्या है, देनदार है, और कस्टमर जो है लेनदार है, बैंकर जो है देनदार है, कस्टमर जो है लेनदार है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पूछा गया, व्हाट इज द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन बेनिफिशरीज इन फाइनेंसिंग टू द SHG अंडर डे NULM। डे NULM में एक रिजर्वेशन की बात कही गई है कि डे NULM में रिजर्वेशन कितना होगा महिला बेनिफिशरीज का SHG में, अंडर डे NULM में। तो ये जो परसेंटेज है 5%, 25%, 30%, 50% का रिजर्वेशन है, इनमें से जो रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए वो रिजर्वेशन होगा 30%। तो 30% रिजर्वेशन है NULM फाइनेंस करने के लिए, ये वुमेन बेनिफिशरीज के लिए। और यहाँ पर एक डिजेबल के लिए भी एक रिजर्वेशन होता है, डिजेबल कैंडिडेट के लिए। तो डिजेबल के लिए कितना होता है, 3% होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, आफ्टर द ऑक्शन कंफर्मेशन इन सरफेसी एक्ट, 75% ऑफ
बीड सेल इज टू बी डिपॉजिटेड विद इन हाउ मेनी डेज। क्या होता है जब सरफेसी एक्शन चलाते हैं तो पहला कार्रवाई क्या करते हैं आप, 13-2 जारी करते हैं। 13-2 क्या होता है, सरफेसी एक्शन में 13-2 एक नोटिस होता है जो 60 डेज का नोटिस देते हैं कि ग्राहक 60 दिन के अंदर आइए पैसा जो है पे कर दीजिए, नहीं तो आपके जो प्रॉपर्टी हमारे पास रखे हैं उसको हम पजेशन में ले लेंगे। तो 60 दिन का ये नोटिस देते हैं जिसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। हाँ, तो ये 60 दिन का जो बात है ये है डिमांड नोटिस। क्या है ये डिमांड नोटिस, इसको बोलते हैं 13-2 नोटिस। तो ये क्यों देते हैं, ये सावधान करने के लिए देते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र आने से पहले सावधान कर दो, तो हम सावधान कर देंगे भैया 60 दिन के अंदर पैसा दे दो भैया, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे। फिर नहीं, अगर बीच में कोई वो आपको कोई पत्र लिखता है, कोई सवाल पूछता है, तो उसका जवाब पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर देना होता है। अगर वो सवाल जो 60 दिन पूरा हो जाता है और पैसा नहीं लौटाता है तो हम लोग क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा दो किस्म के होता है, एक सिम्बोलिक कब्जा होता है, एक फिजिकल कब्जा होता है। तो ज़्यादातर असर कारक होता है फिजिकल कब्जा। फिजिकल कब्जा मतलब पार्टी को बाहर निकाल दो घर से, है ना, और उस पर कब्जा कर लो, चाबी और हमारे पास होना चाहिए, इसको बोलते हैं फिजिकल कब्जा, फिजिकल पजेशन। अब फिजिकल पजेशन होने के साथ, कोई भी पजेशन लेने के 7 दिनों के अंदर 2 न्यूज़पेपर में हमको उनको पब्लिश करना होता है कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा ले लिया है। देखो भाई ग्रामीणवासी या जनता, इस पर कोई लेन देन मत करना, क्योंकि इस समय पहला अधिकार सेंट्रल बैंक का या बड़ौदा यूपी बैंक का हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पजेशन नोटिस। तो पजेशन नोटिस क्या है, जैसे ही पजेशन लिया उसके बाद 7 दिन के अंदर पेपर में 2 वर्नाकुलर लैंग्वेज पेपर में डाल दिए। अब उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को नापते हैं, तोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्वेशन, रिजर्व प्राइस ठीक करना। तो कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी ऑडिट, जो आपकी RAC है, रिजर्व जो प्राइस रिकवरी जो एसेट मैनेजमेंट कमेटी है, वो उसका रिजर्व प्राइस फिक्स करती है। फिर उसके बाद ऑक्शन निकालती है, ऑक्शन में बोली लगी जाती है। तो ऑक्शन में भाग लेने के लिए 10% देना होता है, ऑक्शन में भाग लेने के लिए 10% रुपये देना होता है रिजर्व प्राइस का। रिजर्व प्राइस का 10% देने के बाद वो ऑक्शन में भाग लिया, बोली लगाया। फिर उसके बाद जब उसकी बोली हाई निकल गई, मान लीजिए सपोज 10 लाख की प्रॉपर्टी के वैल्यू रखे गए हैं और ऑक्शन आया, तो ऑक्शन में 10% देगा, मतलब 1 लाख रुपये देकर भाग लेगा, तो 10 लोग भाग लिए तो 10 लाख आपके पास आ गया, 10 लाख का चेक आपके पास है। उनमें से एक बंदा 20 लाख में बोली लगा गया, तो दिया कितना है पहले 1 लाख दिया है, लेकिन जब वो बोली जीत जाता है 20 लाख में तो 25% इमीडिएट देना है। तो 25% कैसे, 10% तो और दिया है, 15% और देना ही पड़ेगा तुरंत, है ना, तभी उसको सेल कन्फर्म माना जाएगा। बोलना अलग बात है भाई, पैसा तो दो, बोल तो दिया बोली लगा के, दूसरे को फंसाने के चक्कर में है जो भी, लेकिन अब हाईएस्ट बोली हो गई तो 10% पहले दिया है, 15% अभी और दे दो बोली का, तो 25% दे दिया, बचा हुआ 75% जो है उनको 15 दिनों के अंदर देना होता है। ये उसका सही उत्तर है कि 15 दिनों के अंदर ये बचा हुआ 75 देना है, तो पूरा 100% पैसा हो जाएगा, तब ये प्रॉपर्टी जो है सेल नोटिस कन्फर्म हो जाएगी और फिर सेल जो है डीड के माध्यम से रजिस्ट्री कर दी जाएगी और उसको फिर प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर ये 15 दिनों के अंदर नहीं दे पा रहे हैं तो GM रिकवरी को ये पावर रहता है इसमें समय देने के लिए। हाँ रोशन जी, सही है, चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, BC कमीशन इन NPA रिकवरी। तो BC कमीशन इन NPA रिकवरी में सवाल पूछा गया, तो जो आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको NPA रिकवरी में जो है ये कमीशन दिया जाता है, और अलग अलग बैंकों में थोड़ा अलग अलग तरीके से पेंशन कमीशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2% कमीशन दिया जाता है। दरअसल ये जरा आप कैटेगरीली अगर देखेंगे पॉलिसी में अच्छे ध्यान से, तो अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है, जैसे हमारे कुणाल पांडे जी लिख रहे हैं 1%, तो सब स्टैंडर्ड एसेट है वहाँ 1% दिया जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट में। डाउटफुल एसेट में 2% दिया जाता है, डाउटफुल एसेट में कितना दिया जाता है 2%। लॉस एसेट में 5% दिया जाता है, और जो रिटर्न ऑफ अकाउंट है जो सीधा बट्टे खाते में डाल दिया गया उसमें 10% दिया जाता है। रोशन जी लिखते हैं हमारे यहाँ 2% है,
तो थोड़ा पॉलिसी एक बार आप अपना अपना देख लीजिएगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 3% का बोली लगाओ, बोली लगाओ, और कोई बैंक वाले बोली लगाओ भैया। तो ये ऑक्शन चल रहा है बीसी कमीशन का, हमारे बीसी भाई लोग भी देखेंगे ये। मैं बीसी लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ, बड़ा मजेदार ट्रेनिंग होता है, तो बीसी लोग खुश हो जाते हैं कि वाह सर ये भी है, ये भी है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत खुश होकर जाते हैं ओझा जी, फिर उसके बाद एक दिन महीना बाद बहुत रोते आते हैं, सर हम तो बहुत काम किए, कमीशन तो देता ही नहीं मैनेजर हमारे राज ओझा जी, तो देते नहीं सर कुछ कमीशन, डरते हैं सर बहुत। फिर हमको फोन करना पड़ता है, दे दो भैया उसका कमीशन, दो नियमानुसार ये लो सर्कुलर लो, फिर कमीशन दे दो तभी तो काम करेगा भाई है। तो बीसी कमीशन ये आपका 2% है, और अगर देखा जाए तो सब स्टैंडर्ड में 1%, डाउटफुल में 2%, लॉस में 5%, एंड जो रिटर्न ऑफ रिकवरी में 10% है। लेकिन अलग अलग पॉलिसी, ये मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अलग अलग बैंकों का आपका पॉलिसी है। तो आज जो है 20 सवाल हम यहाँ पर जो है देख पाए, आज 20 सवाल, वैसे और 40 सवाल और हैं जो हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि इससे आपको एक दिशा मिली होगी, एक तरीका मिला होगा कि कैसे कैसे सवाल आए, और आपकी प्रमोशन एग्जाम में भी आप हूबहू देखिए, जब रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है, मैक्सिमम काम हो जाता है। क्योंकि अगर देखिए सरफेसी से अगर रिकॉल क्वेश्चन आप देख लिए तो उससे बाहर का कुछ आता नहीं है, सरफेसी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब रिकॉल क्वेश्चन देखते हो तो पूरी प्रक्रिया तो मैं खुद बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। तो आप यकीन मानिए इसी तरह रिकॉल क्वेश्चन करते रहिए, जो जो टॉपिक आते हैं नए उनको कवर करते रहिए। रोशन जी बोल रहे 20 में 3 गलत हुआ, शाबाश, और 40 और बचा है, फिर तो आप टॉप कर जाओगे रोशन जी, आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। अभी जो और 20 क्वेश्चन हम कल वाल जब भी करेंगे आगे ना, तो उसमें और देखिएगा, तो आप बिल्कुल तिनका तिनका उठा के आप बहुत आगे ले जाओगे, है ना। बोलते हैं ना यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। हमने पूछा पंछी से कि कैसे बनाया आशियाना आपने, तो पंछी ने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो एक एक सवाल उठाना पड़ता है, एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन का आंसर, तभी जाके जो है आपका घोंसला बनता है, और जब घोंसला बनता है तो आपका हौसला बनता है, और जब हौसला बनता है तो आपका जज्बा बनता है, और अगर आपका जज्बा बनता है तो आपका साहस बनता है, और जब साहस बनता है तो निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है, और जब निर्णय लेने की ताकत बढ़ती है तो मजा ले कि कोई सवाल का आंसर गलत हो जाए। आशीष जी और बढ़िया है, 2 गलत हुए, ये गोल्ड मेडलिस्ट वाले हैं, और एक जने का जन राज ओझा जी टाइप करेंगे अभी, सर मेरा तो एक भी नहीं हुआ गलत है। तो आशीष जी भी बहुत अच्छा है, उनका रिस्पांस अच्छा आता है, आशीष कचारे जी है ना, बहुत बढ़िया। आप सभी साथी बहुत होनहार हैं, है ना। तो मेरा सौभाग्य है आपसे जुड़ने का मौका मिला, आज सेशन यही समाप्त करेंगे, 4 मिनट आपके साथ हूँ मैं। अगर कोई भाई बात करना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं इस फोरम में, स्वागत है। जी हाँ, अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी कैसे हैं भैया, इतना अंधेरे में काहे हैं, ठंडी लगी, खोलिए खोलिए माइक, खोलिए माइक, खोलिए। अनिल कुमार जी आपका माइक तो खुला नहीं है। जी सर, कैसे हैं, ठीक है सर, बोलिए। शानदार हूँ सर, बोलिए बोलिए, जबरदस्त हो, शानदार, बोलिए जबरदस्त है बोलिए, सर। और आपने पूछा तो और जबरदस्त हो गया, बोलिए। जो आप बोले ना ठीक है, वो घर वाली को जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलने का, यहाँ मैं बोलता हूँ ना कैसे हैं बोले तो जबरदस्त हो सर, मजा आ गया सर, बेहतरीन है ना। जी सर, जी सर, और हमेशा याद रखना मैं पूछूंगा तो बोलना जबरदस्त है, घर वाली पूछे ठीक है गुजर रहा है ऐसे ऐसे बोलते ऐसे नहीं, ठीक है। अगर अगर वहां ऐसे बोल दी जबरदस्त, आज रे लाओ रे डंडा रे, जबरदस्त गुजर रहा है ना, तो आप मेरे साथ जबरदस्त कर दूंगा आज, है ना। चलिए हाँ, राज ओझा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे माननीय चुने हुए सांसद महोदय अपने इलाके के, है ना जी, सर आपका। जो वो सीसीटीवी वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था अगर कोई बंदा लाकर ऑपरेट करता है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज कितने दिन रखना है, तो बताइए, वो नाइन पता नहीं सर, पता नहीं चल पाया अभी तक, हम आए तो 1 ही महीने का रहता है। लॉकर में तो सीसी कैमरा तो होता होना ही नहीं चाहिए। नहीं
नहीं, सीसीटीवी फुटेज उसके ऑपरेशन का रखना होता है शायद। तो उसके चर्चा और इसी तो ना ना ना, ये उसकी बात नहीं कह रहे हैं। क्या होता है जब लॉकर तोड़ते हैं ना, तो उसका वीडियो फुटेज लिया जाता है, लेकिन लॉकर में कहाँ सीसीटीवी फुटेज होता है? लॉकर के अंदर लॉकरों में सीसीटीवी नहीं होता है ना, क्योंकि लॉकर में सीसीटीवी होगा तो राज ओझा जी देख लेंगे ना, वो सोना चांदी कितना रख रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी हो जाएगा। लोकल में तो होता नहीं होता है, सही लॉकर में नहीं बात होता, लेकिन आप जो थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसलिए होंगे कि शायद एक पॉलिसी में ऐसा होता है कि जब उसको लॉकर को तोड़ते हैं ना, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, पंचनामा बोलते हैं उसको, पंचनामा। तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को रखा जाता है 180 दिन तक रखा जाता है ना, या क्वेश्चन यही आता है। लॉकर, लॉकर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लॉकर ऑपरेट करते समय या लॉकर तोड़ते समय जो भी था क्वेश्चन, लॉकर को लेकर था सीसीटीवी फुटेज। ठीक है, तो इसको हम पॉलिसी से थोड़ा रिफर कर लेंगे, मैं देख लूंगा आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, और अगले सेशंस जी में इसको मैं कर दूंगा, क्योंकि वो 180 डेज तक शायद प्रिजर्व रखना होता है, या उसको थोड़ा ज्यादा समय के लिए भी रखना हो सकता है शायद, ये भी देखना पड़ेगा, है ना? तो सर, मैंने अभी गूगल में सर्च किया है तो हाँ उसमें सर शो कर रहा है 180 डेज के लिए सीसीटीवी फुटेज ऑफ लॉकर ऑपरेशन अच्छा, एंड सेव द रिकॉर्डिंग्स फॉर एटलीस्ट 180 डेज। ठीक बात है। तो हमारे आकाशवाणी, आकाशवाणी से देखो, आकाशवाणी से भी सवाल का जवाब आ गया है ना, बादल महाराज याद सर। में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा यादवेंद्र जी, हाँ, यादवेंद्र जी तो आकाशवाणी वाले भी वरुण देवता हैं आप, है ना? तो इसको भी देखेंगे, है ना, 180 डेज का है, इसको अच्छा आपने याद दिलाया, अच्छा यादवेंद्र जी ने देख लिया है। देखो गूगल मास्टर है, गूगल बाबा को पूछ लेते हैं सब, गूगल अपने ही घर में रख लिए। हाँ अभी बात करते हैं, ओझा जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, यही बोल रहे थे सर, यही क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था। डाउट था। हमने तो 180 लगाया, यही सही हो तो सही है। हाँ तो अगर लॉकर का अगर आप लोग सवाल समझे हैं, तो फिर उसी हिसाब से 180 सही होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग, अगर सीसीटीवी की अगर बात आई है, तो वहां पर सीसीटीवी फुटेज तो लॉकर में होता नहीं है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग का था सवाल, याद आ रहा है कि सीसीटीवी याद आ रहा है, ये बताइए। हाँ जी ओंकार जी, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सीसीटीवी रिकॉर्डिंग था कि रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी वीडियो से फुटेज रिलेटेड, था? तो सीसीटीवी फुटेज करके था सर। तो सीसीटीवी फुटेज था तो 90 डेज होगा, है ना, 90 डेज होगा, और लेकिन अगर लेकिन वीडियो लॉकर रिकॉर्डिंग सर था जरूर, सर, लॉकर था लॉकर जरूर। था, लॉकर था सर, लॉकर से रिलेटेड था सीसीटीवी करके कुछ। ठीक है, थोड़ा मैं अध्ययन करके और आपको अच्छा बता दूंगा, है ना, मैं आरबीआई की पॉलिसी में सीसीटीवी जाके, भी हाँ, था और लॉकर भी, दोनों थे, दोनों तो थे। मैनुअल हाउ टू हैंडल द फुटेज इन लॉकर के, लॉकर केस, इसमें मैनुअल अब ऑपरेशन में जाके थोड़ा स्टडी कर लूंगा, ठीक है। और पंखा वाले भैया, पंखा काहे चला रहे हो यार, ये पंखा बंद करो भैया, हैं अभय साहब हैं। हाँ चलिए, और कोई बात कहनी है ओंकार भाई, हैं मुस्कुरा दीजिए। सर एक सवाल था जिसमें कंफ्यूजन है मुझे। ओम हाँ कौन बोल रहे हैं? प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ ओम प्रकाश जी, काहे छुप छुप के वार करते हैं, इधर कहाँ से चले जाए इधर। अंडर पेंशन स्कीम फॉर रिटेलर एंड शॉपकीपर, हाँ हाउ मच मैक्सिमम पेंशन विल बी बेनिफिशियरी गेट आफ्टर रिटायरमेंट? 3000। 3000। सर ये हमें समझ में नहीं आता, बाकी सब पेंशन में तो 1 से 5000 का है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, ये मोदी सरकार से पूछना पड़ेगा, मोदी भगवान की जय ऐसा करके बोलते हैं ना, मोदी महाराज ने ऐसे क्या क्या स्कीम निकाल दी है ना कि, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, सारा उनको याद रहता है बस, है सब बैंक के जितने स्कीम है ना, आपको याद नहीं उतना मोदी महाराज को याद है। तो वो क्या क्या निकाल, श्रम, श्रम सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अटल पेंशन, क्या क्या पेंशन है, तो मोदी जी का नाम लेके टिक लगा दीजिए 3000 में, 3000 रुपये दिया है। वैसे किसान सम्मान निधि योजना का भी देखो, 6000 रुपये है साल का, कई एग्जाम में वो भी पूछा गया। तो जो श्रम वाले, उनका कहना है कि ऐसे लोग जो लेबर का करने चले जाते हैं, तो भाई जब भी उनकी एज ज्यादा हो जाती है, तो वो कहाँ से, मतलब समझ लो कि 28% लोग जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, नौ जैसे लेबर टाइप का काम करते हैं, तो उनको एक उम्र हो जाएगी, तो पैसा कहाँ से मिलेगा, इसीलिए उनको बोलते हैं कि पेंशन एक मिलेगा, जिससे कि वो अपना खाना वाना की व्यवस्था कर सके, खा सके। तो इसीलिए 3000 है।
एक दिन नहीं तो एक वीडियो बना दूंगा उस योजना के बारे में, है ना। बाकी 3,000 है उसको याद रख लीजिए, लेकिन वीडियो बनाने से क्या होगा, आपको स्कीम समझ में आ जाएगी, तो उसका बेनिफिट हम आप आसपास के लोगों को दे सकते हैं, अपने साथ जो लोग हैं उनको दे सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। जी सर। हाँ देखो, हमारे योगी महाराज थोड़ा ध्यान में चले गए, भीष्म राजवाड़े जी थोड़ा नाराज हैं, अब थोड़ा ध्यान में चले नहीं सर, नवाज नहीं है सर। नाराज नहीं, तो अभी वो बोल रहे हैं कि सर इतना लेट पढ़ाते हैं और फिर वो इतना जगा के रखते हैं, और सर जाएंगे नहीं तब तक हम भी नहीं जाएंगे, हम झुकेगा नहीं साला, अब झुकेगा नहीं है क्या बोलते हैं पुष्पा, जी झुकेगा नहीं, हम एग्जाम तक तो झुकेगा ही नहीं, ऐसा करना है हाँ, सोएगा ही नहीं सर। पढ़ते रहना। तो चलिए और 40 क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चन अभी हुआ। हमारे आशीष भैया आ गए, बहुत स्मार्ट भैया हैं। आशीष भैया क्या हाल चाल है? आशीष कचारे जी दिख रहे हैं एकदम, है हाँ एकदम रिलैक्स कूल। आशीष जी क्या खबर है? आपका माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सर बढ़िया है, मस्त है एकदम। जी एकदम जबरदस्त है ना, ये हुई ना बात, सर। ये देखो इनका स्टार्ट कैसे हुआ, जी सर, कोचिंग फिफ्टी एकदम प्लस हो गए बढ़िया सर। जी मस्त है, और आपका बात सुन के तो और जबरदस्त हो गई है, सर। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। ठंडी कैसी है आपके यहाँ? आप कौन सा ठंडी तो जगह? सर, हीटर हीटर लगाया कमरे में तो गर्म है कमरा अंदर से। अच्छा, कौन सा जगह जी है? सर, ये पीलीभीत है सर, यूपी पीलीभीत। पीलीभीत। यूपी में तो ठंडी नहीं लगनी चाहिए, बहुत गर्मी है, बहुत सब लोग गर्मी लेके गए हैं सब, नोट सर की ये गर्मी इधर उत्तराखंड से लगा हुआ एरिया है ना सर। जी नहीं, चुनाव उनाव का चक्कर है ना, कुछ गर्मी बहुत सर, बोलते हैं गली गली में, ज्यादा चुनाव का जो है गर्मी ज्यादा है। है तो चुनाव जी सर, भैया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, और उदय जी भी आ गए, शुभम जी भी आ गए, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, है ना। कल 26 जनवरी है, हमारे देश जी का सर, गणतंत्र का गौरव बढ़ाइए, और आप जी सर, धरती सुनो। पर स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता जो है हमें अधिकार देती है जीने का, स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है हमारे मौलिक विचारों का, हमारे मौलिक कर्तव्यों का, और हमें देश की गौरव बढ़ाने के साथ साथ हमें अपना गौरव बढ़ाने का, कि जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर उतारा है, हमारी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन कराने का, ताकि असली गणतंत्र, जिसकी जो व्याख्या जो है उस गणतंत्र में 26 जनवरी 1949 को की गई है, उसको सार्थक रूप से हम इस देश के लिए गणतंत्र के रूप में कुछ अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निर्वाह करके, देश का गौरव बढ़ा के और अपने आप का गौरव बढ़ा के, अपने समाज का गौरव बढ़ा के, हम जिस संस्था में काम करते हैं उसका गौरव बढ़ा के, हम इसकी सार्थकता को साबित कर सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र के दिन हम शहीद जो हमारे सैनिक हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और देश की सेवा में समर्पित जो हमारे भाई हैं जो स्क्रीन पर हैं वो भी देश की सेवा में समर्पित हैं, और तमाम लोग जो देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनमें ध्यान मग्न हैं, उनमें समर्पित हैं और समर्पण भाव से काम करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, और कल आप लोग भी बिल्कुल देश, ये ऐसा उत्सव होता है जहाँ पर आप एक जो देश मातृभूमि जिससे हमारा अस्तित्व है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिस धरती पर से हमें सब चीज मिल रहा है, उसके गुणगान करने का दिन है, उसकी खुशियां मनाने का दिन है, और इस खुशी को देने के लिए जिन शहीद वीरों ने अपने जान कुर्बान की उन्हें याद करने का दिन है, और असली गणतंत्र मनाने का दिन है, क्योंकि जब गणतंत्र होता है तो गणतंत्र की नीति निधानों का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है, तो स्वतंत्रता जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी से काफी लोग भागते हैं, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका मिला है, इसलिए आइए ईश्वर से धन्यवाद करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं, सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि भगवान ने जो हमें अवसर दिया है उस अवसर को हम बेहतर बनाएंगे, और प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, कि हे ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हे ईश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे यह जीवन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, आपने मुझे ये बहुमूल्य जीवन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया देश की सेवा में काम करने का, मैं हृदय से बहुत आपका आभारी हूं
क्या आपने मुझे वो हर चीज नवाजा जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया बैंक में काम करने का, देश की सेवा करने का। एक गणतंत्र नागरिक होने के नाते स्वतंत्र रहने का मैं जो अधिकार दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं प्रमोशन परीक्षा में भाग ले सकूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझ में साहस दिया, उत्साह दिया, ज्ञान दिया, नए साथी दिए और इनकी मदद से मैं सफलता के करीब पहुंच पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सफलता मैं हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे इशारा किया है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं सफलता की राह में चल पड़ा हूं। तो इन तमाम साहस, उत्साह और प्रेरणा देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे एक बेहतरीन अवसर, एक नई दिशा दिखाया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना और मेरी तकदीर चमकदार कर देना, मुझे सफलता दिला देना, ताकि मैं अपने कुशल नेतृत्व से, अपनी समर्पण भाव से, अपने निष्ठा कार्य से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं और समाज को अपने योगदान से नवाज सकूं और आपका आभार व्यक्त कर सकूं। मुझे सब कुछ देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथ थोड़ी सी घर्षण के साथ आप ऊर्जा का महसूस करिए और आंख के पलकों के पास छूते हुए धीरे धीरे खोलिए और सच्चे मन से, पवित्र भावना से जब इस तरह हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। और आप हर रोज ये प्रार्थना, जिस दिन मैं नहीं भी कर पाया तो आप अपने मन से करिए। जरूरी नहीं कि वही चीज़ों को बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप उन चीज़ों को बोल सकते हैं जो जीवन में आपको चाहिए, उन चीज़ों को मांगिए। क्योंकि बचपन में हमें एक ही बात बताई जाती है कि हम जब पापा मम्मी को मांगते थे तो हमें मिलता था। अभी हमारे पापा मम्मी नेचर हैं, भगवान हैं, जिसको अलग अलग नाम से दिए गए हैं, उनको हम जो चीज़ रिपीट रिपीट कहते हैं तो फिर वो चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह एक कस्टमर बार 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 आपकी ब्रांच में आता है या कोई भी चीज़ आते हैं आपसे टकराता है तो आप मिलता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन के साथ भी है। और मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता ही रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। हमारे कुणाल पांडे जी, कुणाल पांडे जी आप सभी साथियों का धन्यवाद कर दीजिए और सभी साथियों का जो एग्जाम है उनके लिए शुभकामनाएं दे दीजिए और मेरे स्टाइल में आज के क्लास की समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। मेरी तरफ से सभी साथियों को जैसे वर्तमान में अभी वीडियो पे हैं और जो वर्तमान में नहीं भी हैं उनको आगामी इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, सर की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। और बोलिए, आप सभी की सकुशलता, सफलता और कार्य निष्पादन की शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। बोल दीजिए। बहुत लव हो गया सर। बोलिए, आप सभी की सकुशलता, सफलता और अच्छे कार्य निष्पादन की शुभकामनाएं करते हुए आपसे विदा लेते हैं और आज के सेशन का समापन करते हैं। हाँ, और फिर मुलाकात करेंगे नए ऊर्जा उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक शानदार रात आपके साथ दे रहा हूँ और कुणाल पांडे जी रात भर सोएंगे नहीं क्योंकि बगल में मैडम बैठी हैं। तो उस रात से क्या सिखवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस चेहरे का है जो हमें रात भर सोने नहीं देगा। अभी इनको सोने मत दीजिएगा, चलिए आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।